असी जिहड़ा हैगा साडी पंजाब दी टीम साडे पंजाब दे एमएलए सहिबान सरदार करतार सिंह संधवा अमन अरोड़ा जी मीत हीर जी मैं असी दिल्ली दे विच पूसा जिहड़ी इंस्टीट्यूशन उत्थे जा के आए हां कि जिहड़ी 1916 दे विच बनी सी जिस विच वख वख किस्मां ते चाहे वह झोने की आ चाहे वह कणक की आ या होर फसलां ने उत्थे रिसर्च हुंदी आ रिसर्च दे विच जिहड़ा हैगा अच्छी खेती किवें करनी आ उत्थे हल लब्भे जांदे नेगे सो क्योंकि देश दे विच सब तो वड्डा जिहड़ा संकट आ खास तौर ते पंजाब विच सब तो वड्डा संकट आ वो पराली नूं किवें जिहड़ा हैगा खत्म किया जाए पराली का जिहड़ा हैगा उहदा हल किवें किया जाए इस गल नूं लैके असीं उत्थे गए सी उन्होंने बड़ा अच्छा हल जिहड़ा सानूं दस्सिया गया उन्होंने कहा गया कि असीं कैप्सूल तैयार किया गा आ जिहड़ा उन्होंने कैप्सूल मैं लैके आया गा पूसा डीकंपोजर आ पूसा डीकंपोजर नाँ का एक उन्होंने कैप्सूल तैयार किया गा इस कैप्सूल के चार कैप्सूल ने गे ये बड़े सस्ते ने गे बहुत जरा ईजी जड़े है मिल जाते हैं गे सो इन्हों के ना छिड़काओ आ जी पराली आ जी अपना वेस्ट हैगा वो छिड़काव करके उन्होंने पानी दे के उन्होंने कल्टीवेट करके जो है उन्होंने बाह के उस बाद लगभग 12 तो लैके 15 दिन के जी जी पराली आ वो खाद के रूप तब्दील हो जाती है वो जी पराली है खाद के रूप तब्दील हो जाती है और जी जमीन की आ उपजाऊ शक्ति बढ़ाती है जमीन के ऑक्सीजन की मात्रा बढ़ाती है जिहड़ियां होर चीज़ां उहदी जिहड़ी मात्रा बढ़ाती है सो उहदा एक दस्सिया गया कि किस तरह ये पैंफलेट नाल लैके आएंगे कि किस तरह का प्रयोग करना गा ये सारियां गल्लां असीं जिहड़ा हैगा पूसा इंस्टीट्यूशन में जाके आएंगे बड़ी अच्छी जिहड़ी आ उत्थों नॉलेज मिली आ और मैं ये सारे बारे जिहड़ियां लैके आएंगे पंजाब सरकार नाल भी साझियां करूँगा और पंजाब दी जिहड़े एग्रीकल्चर मिनिस्टर ने गे पंजाब के मुख्यमंत्री कैप्टन साहब जिहड़े पंजाब के एग्रीकल्चर मिनिस्टर ने गे उन्होंने भी देवांगे तां कि पंजाब का किसान जिहड़ा मैं समझदा इस टाइम बहुत बड़े एक संकट नाल जूझ रहा क्योंकि केंद्र की बीजेपी सरकार ने एक ऐसा कानून बनाता कि 5 करोड़ का जुर्माना होगा तो और 5 साल तक जी सज़ा होगी वो बहुत भारी जरा जुर्माना किया गया सो वो खिलाफ़ जो है मैं समझता सारिया सरकार जरा यतन करना चाहिए इस तरह की जी सज़ा किसान नहीं मिलनी चाहिए क्योंकि किसान की पराली का हल जो हल मिल गया जबकि सारी ये जी चीज़ आई कोई कैमिकल नहीं है एक कैमिकल नहीं है ये जमीन च ही बनाए गए ने सो ये असं जाके मिलकर आए गए जेकर किसान इन वरतदा है जी तो कि खर्चा जो पर एकड़ के हिसाब ना आता है जी देखो खर्चा बहुत घट आता जिन्ना किसान हूँ पराली कट्टन या अग लाने या खत्म करने लाँगा गा वो तो कित घट मात्रा जी हैगी खर्चा आता गा और दूजी बड़ी गल आ कि किसान की जी जमीन होर उपजाऊ होंगी होर ताकतवर होंगी वो जो खनिज पदार्थ बचते हैं जोड़े जीव जंतु मर जाते हैं वो सारे बचते हैं जो मैं समझता फसल ही लाहेबंद होंगे सो बहुत अच्छा जरा तजर्बा सूँ हासिल होया गया सो मैं समझता ये आने वाले समय के खास तौर पर जो नैक्सट ईयर आसान की जी पराली की समस्या लगभग खत्म हो जूगी सो ए प्रयोग में जरा सा समुची टीम असी दड़बे भी करा पूरे पंजाब भी करा मैं कुछ लैके आया इस दवाइया ताकि असी जो इस साल असी वंडा थोड़े व्यक्तियों और किसानों प्रेरित भी करा कि सारे अपने अपने जान एक दवाई की जी खरीद कर इस जरा कैप्सूला खरीद करके अपनी जमीन के प्रयोग कर और एक सफल तजर्बा करके आप जो पराली का संकट हल कर सकिए ये चार कैप्सूल की कीमत कितनी है और कितनी जगह ये कवर करेगा ये चार कैप्सूल देखो ये जो चार कैप्सूल ने एक हेक्टेयर जो है कवर करते हैं और 80 रुपये जी कीमत आ और ये जो है गुड़ का 150 ग्राम गुड़ का 50 ग्राम जो है बेसन का घोल तैयार करके वो एक विधि दसी गई है विधि ये पूरी लिखी गई है वो विधि के मुताबिक घोल करके छिड़काव करना गा बिल्कुल मैं समझना ईजी तरीका गा बिल्कुल ही अच्छा तरीका गा और ये किसान की जिते आमदन भी बढ़ सकती है क्योंकि मैं उन्होंने दस्या गया कि किस तरह जी पराली आ एक तो यह तरीका गा गालन का पराली गालो तो जमीन में बचाओ है ना ठीक है उपज बधाओ तो दूजे पासे जिहड़ा हैगा पराली दे उत्तों पराली दे उत्ते उहदा बिस्कुट किवें तैयार करना एक नवीं गल आ कि उहदा बिस्कुट तैयार किवें करना क्योंकि बहुत सारे स्टेटां दे विच जे पंजाब च पशु पराली नहीं खांदे लेकिन यूपी बिहार होरना सूबयां दे विच पशु जिहड़े पराली खांदे ने गे उहदा बिस्कुट तैयार किवें करना गा इह भी उहनां ने जिहड़ी सानूं दस्सिया गा सो सारियां गल्लां जिहड़ियां हैगियां ने मैं समझदा इह पंजाब सरकार दे लैवल दीआं ने सरकार लैवल दीआं ने मैं सारियां गल्लां पंजाब विधानसभा च भी दसूंगा और पंजाब सरकार नूं भी इहदा लैटर बका के भेजूंगा तां कि जिहड़ी सरकार करे जेकर सरकार नहीं करूगी तां 2022 दे विच आम आदमी पार्टी सरकार आऊगी तां पार्टी पूरे किसानों के नाल खड़ के पूरे पंजाब के किसानों आ जो है नवा तजर्बा भी देवे और इस मामले का हल भी करेंगे किस तरह ले आऊंगे किसानों के इस जी मुहिम चलावे जी एक बड़ी मुहिम चला के पंजाब जो इस समस्या का हल करा
अच्छा एक सुरजीत सिंह जियाणी ने बयान दिता है जी कि किसानों के नाल है, मैं किस तरह देख रहा हूँ? मैं समझता सुरजीत सिंह जियाणी ने पंजाब नाल खड़े होने का सबूत दिता गया। सुरजीत सिंह जियाणी दे मैं इस बयान का स्वागत करदा गा क्योंकि अज पंजाब दे किसान नूं बचाउण दा समां गा। आ जिहड़े कैप्टन साहब ने या बीजेपी आ लगातार ड्रामे कर रहे हैं कि कदे जेपी नड्डा नूं लैटर लिखते हैं कि कदे दे राष्ट्रपति कोल जाण दा नौटंकी करते हैं कि अज पंजाब दे किसान नूं बचाउण दा समां गा क्योंकि पंजाब दा किसान अज बहुत वड्डियां समस्यावां नाल जूझ रहा। अज पंजाब दा किसान जिहड़े तीन खेतीबाड़ी मारू बिल आए ने उन्हां दे खिलाफ़ प्रोटेस्ट कर रहा, पूरा पंजाब पंजाब दे किसानां नाल खड़ा गा। पर लेकिन मोदी साहब बड़े अड़ियल रवैया बनाया हैगा, केंद्र की जिहड़ी बीजेपी सरकार है बहुत अड़ियल रवैया बनाया है, और दूजे पासे पंजाब दा मुख्यमंत्री ये भी एक मैं समझदा आपकी एक ना समझी पेश कर रहा, एक गैर जिम्मेवाराना रोल अदा कर रहा। अज जिहड़े हैगे मैंबर पार्लीमेंट भेजते जिहड़े गृहमंत्री नाल मुलाकात करन गए ने, कल रेलवे मिनिस्टर नाल मुलाकात करन लई जिहड़ा हैगा मैंबर पार्लीमेंट भेजते, क्यों नहीं पंजाब दा मुख्यमंत्री जांदा हैगा? क्यों नहीं जाके देश दे प्रधानमंत्री नाल गल करदा? क्यों नहीं जाके मिनिस्टर नाल गल करदा? किस गल दा जिहड़ा हैगा डर लगदा उहनां नूं? अज लोड़ आ मैं समझदा पंजाब दे मुख्यमंत्री नूं देश दे प्रधानमंत्री नाल गल करनी चाहीदी आ। देश दा प्रधानमंत्री जिहड़ा हैगा उह सारियां समस्यावां दा हल आ। अज पंजाब दा रेवेन्यू लगातार डिप हो रिहा, अज पंजाब दे छोटे छोटे किसान ने मारे जा रहे हैं। जेकर लगातार ये चलता रहा तां पंजाब दा खजाना जिहड़ा कि मैं समझदा पहले ही खाली आ, जिहड़ा पंजाब पहले ही कर्जे थले दबिया है, तां पंजाब होर मारिया जाऊगा। कांग्रेस के लीडर जंतर मंत्र उपर प्रदर्शन करन गए सी, पर उन्होंने कहना कि आम आदमी पार्टी जी है बीजेपी के नाल गठजोड़ कर जा रही हैगी, उन्होंने कहा कि साडा समर्थन नहीं दिता हैगा उन्होंने। देखो आम आदमी पार्टी ने तो जो पिछली 12 तरीक में जो जंतर मंत्र प्रोटेस्ट किया, आम आदमी पार्टी तो ऑलरेडी जी प्रोटेस्ट कर चुकी आ। आम आदमी पार्टी के कौमी कन्वीनर अरविंद केजरीवाल जी, संजय सिंह जी, मनीष सिसोदिया जी, भगवंत मान जी, समुचे पंजाब के MLA साहबान ऑलरेडी जो है प्रोटेस्ट कर चुके हैं, ऑलरेडी जो है जंतर मंत्र से जा चुके हैं। ये जी की करते हैं इन्होंने एक घंटा कुछ सैकेंडा धरना लाया, एक घंटे का धरना जो ला के मुड़िया है। पहले इन्होंने कहा कि असं राष्ट्रपति साहब को मिलने जाने, फिर कहते राजघाट से जावे, जो ना राजघाट से गए ना राष्ट्रपति साहब ने टाइम दिता, फिर आके नौटंकी कर ली कि असं जो है हम धरना देवे। इन्होंने धरना जो है देश के प्रधानमंत्री सामने क्यों नहीं लाया है? इन्होंने चाहिए सी जेकर धरना उन्होंने देश के प्रधानमंत्री सामने लाने। किसानों का कहा जा रहा है जी कि 25-26 तरीक में जो है दिल्ली वालों कूच करेंगे, किस तरह देख दो कि माहौल भी कितना कितने खराब हो सकता है? देखो मैं समझदा देश की बीजेपी सरकार जी उन्हें बहुत ही माड़ा रवैया अपनाया है, बहुत ही माड़े ढंग ने देश की बीजेपी जी मोदी साहब की सरकार काम कर रही है। सारे किसान जानगे मैं समझदा ये जी मोदी साहब जिहड़े कि कुंभकर्णी नींद सुते पे ने, जिहड़े कि मैं समझदा हिटलर बने पे ने, उन्होंने खिलाफ़ जिहड़ा पंजाब के किसानों का हल्ला बोल नहीं है, पूरे देश के किसान जा रहे हैं, पूरे देश के जथेबंदी जा रही है। ये संघर्ष जिहड़ा हैगा मैं समझदा जित बल जिहड़ा हैगा तब्दील होगा। देखो मैं समझदा दोनों सरकार जिम्मेवार नेगियाँ, जी देश की बीजेपी सरकार आ सब तो वड्डी वह जिम्मेवार आ, और पंजाब सरकार जिम्मेवार आ, कैप्टन साहब जिम्मेवार ने, क्योंकि कैप्टन साहब का पंजाब के लोगों ने जी बागडोर संभाली आ, पंजाब के लोगों ने मुख्यमंत्री बनाया गा, उन्होंने अपनी जिम्मेवारी तो भजना नहीं चाहिए, जिम्मेवारी निभानी चाहिए है, क्योंकि अब पंजाब के किसान ना खड़न का समा गा। वो लुकमे रूप के कैप्टन साहब बीजेपी ना मिले हुए हैं कि अंदरों बीजेपी लाइन अडोप्ट करते हैं, बाहरों ड्रामे करते हैं, और देश की मोदी सरकार तो पंजाब की कैप्टन सरकार दोनों जिम्मेवार होगी। सूबे के उपर जो है बिजली का संकट जो मंडरा लगे है जी, बिजली की बहुत घाट जी महसूस हो रही है, किस तरह देख रहे हैं? देखो मैं समझदा सूबे के बिजली का संकट जो है वह दोनों सरकार ने देना गी, कैप्टन साहब की देना गी और मोदी साहब की देना गी, दोनों की ना समझी, दोनों की गैर जिम्मेवार जो रवैया गा वो पंजाब लिए घातक हो रहा है, ना ही पंजाब के मामलों पर गल करना चाहते हैं, ना आपस में बैठना चाहते हैं कि दोनों अपने अपने स्टैंड लैके अड़ियल रवैया अपनाया है। ये जो गैर जिम्मेवार स्टैंड आ दोनों का, चाहे वह कैप्टन साहब ने पंजाब के मुख्यमंत्री, चाहे देश के प्रधानमंत्री ने, छड़ना पेगा। अज पंजाब के लोगों ने खड़न का समा गा, उन्होंने गल सुन का समा गा। हक ते सच की खबर ले लाइक ते सबसक्राइब करो पंजाब का नंबर 1 डिजिटल न्यूज चैनल द फैक्ट न्यूज़।